नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे ऑनलाइन नर्सिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में हाइड्रोसेफेलस के बारे में बताया था, ठीक है, तो उसमें काफी अपना जो डिस्कशन नहीं हो पाया था सीएसएफ के बारे में, तो मैंने इसके बारे में सोचा कि एक छोटा वीडियो मैं अपलोड करूं ताकि आपका नॉलेज है वो गेन हो सके, ठीक है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड के बारे में हम बात करें तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसे हम लिम्फ ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लिम्फ भी कहते हैं। दूसरी मैं बात करूँ इसके फॉर्मेशन की, तो ये कोरोइड फ्लेक्सिस से इसका निर्माण होता है। कोरोइड फ्लेक्सिस में एपेंडाइमल सेल्स, पायामीटर और ब्लड कैपिलरीज की मदद से सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके एब्जॉर्प्शन की, तो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन सब एरिकनोइड विलाई के थ्रू होता है। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो सीएसएफ का वो सब एरिकनोइड विलाई के थ्रू होता है। सब एरिकनोइड विलाई प्रेजेंट होती है सब एरिकनोइड स्पेस में, और सब एरिकनोइड स्पेस कौन कौन सी मेनिंजियल लेयर के बीच में होता है, एरिकनोइड और पायामेटर के बीच में सब एरिकनोइड स्पेस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सब एरिकनोइड विलाई प्रेजेंट होती है, ग्रेनुलेशन प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू मैक्सिमम सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। दूसरी मैं इसके बात करूँ सिक्रेशन की, ठीक है, इसके सिक्रेशन दर की मैं बात करूँ तो 0.5 ml पर मिनट की दर से, 30 ml पर आवर की दर से और 500 से लेके 720 ml पर डे के हिसाब से जो है सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इसके कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट अमाउंट की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम एग्जाम्स में 120 मानते हैं, लेकिन एंक्लेक्स में इसका जो वैल्यू है वो 125 से 150 ml के बीच में दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम सीएसएफ के प्रेशर की बात करें तो सीएसएफ का जो प्रेशर है वो 10 से 15 CmH2O होता है लाइंग डाउन या फिर सुपाइन पोजिशन में, ठीक है। अगर कोई पर्सन है वो सुपाइन पोजीशन में या फिर लाइंग डाउन पोजीशन में है तो उस कंडीशन में उसका सीएसएफ प्रेशर जो है वो 10 से 15 CmH2O होता है। दूसरी मैं बात करूँ उसके अपराइट या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में कोई पर्सन है तो उस कंडीशन में उसका सीएसएफ प्रेशर जो है वो 30 CmH2O होता है, ठीक है। स्टैंडिंग या फिर अपराइट पोजिशन में क्या हुआ है, जो सीएसएफ प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। आगे चलते हैं, हम एक आईसीपी, नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो 5 से 15 mmHg होता है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सीएसएफ के एनालिसिस की हम बात करें, यहाँ पे हम देखते हैं सीएसएफ के करेक्टरिस्टिक्स और उसमें अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी है तो वो कौन सी कंडीशन को लीड करेगा, ठीक है। तो हम जनरली हम सीएसएफ की बात करें, सीएसएफ एक फ्लूइड ही तो है, तो उसका कलर जनरली होता है क्रिस्टल कलर या फिर व्हाइट कलर हम कह सकते हैं, ये सीएसएफ का नॉर्मल कलर होता है। अगर इसमें कुछ अबनॉर्मलिटी हो जैसे टर्बिड कलर या फिर क्लाउडी धुंधला कलर हो उसका, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, बैक्टीरियल इंफेक्शन को वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। दूसरी मैं बात करूँ आरबीसी की, तो आरबीसी है वो सीएसएफ फ्लूड में नहीं प्रेजेंट होती है, निल होती है, ठीक है, न के बराबर मतलब अब्सेंट होती है वहां पे, और अगर वो प्रेजेंट है सीएसएफ में तो वो किसको इंडिकेट करेगी, सब एरिकनोइड हेमरेज को वो इंडिकेट करेगी, ठीक है। सब एरिकनोइड स्पेस में किसी भी प्रकार का कोई ब्लीडिंग हुआ है तो वो सीएसएफ के अंदर आएगा, और वो हम अगर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पे हमें आरबीसी प्रेजेंट मिलेगी। आगे चलते हैं, हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी भी नए के बराबर सीएसएफ में प्रेजेंट होती है, मेनली लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, वो भी लेस देन 0.5 पर mmq की दर में प्रेजेंट होती है, लेस देन 0.5, ठीक है, मतलब आप अनुमान लगा सकते हो कितनी कम होती है। अगर इस दर से ये ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो इंडिकेट करती है इन्फेक्शन को, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो WBC जो है वो इंक्रीज हो जाती है सीएसएफ में। चौथी मैं बात करूं यहाँ पे ग्लूकोज लेवल की, तो सीएसएफ में ग्लूकोज लेवल 40 से 70 mg पर डीएल की रेट में प्रेजेंट होता है, 40 से 70 mg पर डीएल की दर से प्रेजेंट होता है, और ये अगर कम हो रहा है, ठीक है, बाकी की हम बात करें तो इंक्रीज होता है, और ग्लूकोज लेवल अगर कम हो रहा है
तो वो किसे इंडिकेट करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, क्योंकि जो बैक्टीरियाज है वो ग्लूकोज को खा जाएंगे, तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज लेवल है वो सीएसएफ में डिक्रीज मिलेगा। मेनली कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलता है, टीबीएम मोस्ट कॉमन होता है, टीबीएम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है सीएसएफ में 30 से 50 एमजी पर डीएल की रेट में प्रेजेंट होता है, 30 से 50 एमजी पर डीएल की रेट से प्रेजेंट होता है, और अगर ये रेट ज्यादा हो जाती है, इफ इट इंक्रीज, तो वो इंडिकेट करेगी इंफ्लामेटरी ब्रेन डिजीज को या फिर डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज को वो इंडिकेट करेगी। ठीक है, डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज में या फिर इंफ्लामेटरी ब्रेन डिजीज में क्या होगा, सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा और वहां पे प्रोटीन का रिलीज होगा, प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं हम कोब वेब अपीयरेंस। ठीक है, कोब वेब अपीयरेंस जो है मेनली नॉर्मली सीएसएफ में अब्सेंट होता है, और अगर ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होगा, तो उस कंडीशन में कोब वेब अपीयरेंस है जो प्रेजेंट होता है सीएसएफ में। अब यहाँ पे कोब वेब अपीयरेंस की मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या है कि अंडर एग्जामिनेशन हम देखेंगे, ठीक है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन इसका करेंगे सीएसएफ का, तो वहाँ पे एक मकड़ी के जाले जैसी स्ट्रक्चर वहाँ पे मिलती है सीएसएफ में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कोब वेब अपीयरेंस। आईजीजी या फिर ओलिगो क्लोनल बैंड की मैं बात करूँ तो ये नॉर्मली एब्सेंट होता है, और अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसी पर्सन में है तो उस कंडीशन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कैविटीज की बात करें, तो ये टू लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, टू लेटरल वेंट्रिकल्स है, वो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, किससे, सेप्टम पेलीसुडम, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो दोनों को जोड़ के रखती है, सेप्टम पेलीसुडम, और बोथ लेटरल वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल से जुड़े रहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनेरो। ठीक है, फोरामेन ऑफ मोनेरो, और थर्ड वेंट्रिकल जो है ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ जुड़ता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सर्विलस या फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, और फोर्थ वेंट्रिकल के साथ तीन स्ट्रक्चर्स जुड़ी रहती है, जो कि हम आगे कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, ये जो बीच में टू, तो दो लेटरली ओपनिंग होती है, एक पोस्टीरियरली ओपनिंग होती है, तो जो पोस्टीरियरली ओपनिंग होती है उसको तो हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज ए कैविटी दैट इज कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसकी एक कैविटी होती है, उसी को हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, और बोथ लेटरल वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय सेप्टम पेलीसुडम। मैंने बताया था आपको कि एक स्ट्रक्चर बीच में प्रेजेंट होती है जो हम दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स को जोड़ने का काम करती है, वो उसे कहते हैं हम सेप्टम पेलीसुडम। बोथ लेटरल वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड विद थर्ड वेंट्रिकल बाय फोरामेन ऑफ मोनेरो। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल के साथ जो मतलब लेटरल वेंट्रिकल्स है वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ जुड़ता है, किसके थ्रू, फोरामेन ऑफ मोनेरो के थ्रू। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टू थैलेमी, जो दो थैलेमी है उनके बीच में प्रेजेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल, और जो थर्ड वेंट्रिकल है वो कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ बाय द सेरेब्रल एक्विडक्ट या फिर एक्विडक्ट ऑफ सर्विलस। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल है वो पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में मिलता है। ठीक है, पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में फोर्थ वेंट्रिकल है वो प्रेजेंट होता है। एट द फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे तीन ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल से तीन ओपनिंग्स निकलती है, दो तो लेटरली निकलती है, एक पोस्टीरियरली निकलती है। ठीक है, लेटरली में एक फोरामेन ऑफ लुस्का है जो कि फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट होके सेरिब्रोपोन्टाइन सिस्टर्न के थ्रू होके सब एरिक्नोइड स्पेस में जो सीएसएफ फ्लो को पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ मैं सेरिब्रोपोन्टाइन सिस्टर्न की, तो ये एक स्ट्रक्चर होती है जो ट्राइंगुलर शेप में होती है,
जिसे पेंटो सेरेबेलार सिस्टर्न भी कहते हैं, ठीक है। ये CSF फिल्ड ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है, इसके एंटीरियरली सेरिबेलम प्रेजेंट होता है और लेटरली पॉन्स प्रेजेंट होता है, और इस स्ट्रक्चर के थ्रू CSF जो है वो सब एरिग्नोइड स्पेस में डाला जाता है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ, एक पोस्टीरियरली जो ओपनिंग होती है फोरामेन ऑफ मेगेंडी के थ्रू, ये CSF को सब एरिग्नोइड स्पेस में डालती है। ये भी कनेक्ट होती है फोर्थ वेंट्रिकल से और सेरिब्रो मेडुलरी सिस्टर्न जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू ये CSF को सब एरिग्नोइड स्पेस में डालती है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ सेरिब्रो मेडुलरी सिस्टर्न, ये क्या होता है, ये भी एक फ्लूड फिल्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सिस्टर्ना मैग्ना भी कहते हैं, ठीक है, सिस्टर्ना मैग्ना भी कहते हैं। और ये मेडुला एंटीरियरली इसके मेडुला प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियरली सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो सिस्टर्न जो स्ट्रक्चर है वो CSF को रिसीव करती है डायमंड से, वो फोर्थ वेंट्रिकल से, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल से CSF को रिसीव करती है, ठीक है, और CSF को रिसीव करके फिर वो सब एरिक्नोइड स्पेस में डाल देती है, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ सब एरिक्नोइड स्पेस। आगे चलते हैं हम CSF फ्लो की बात करें, तो CSF फ्लो है फॉर्मेशन कहाँ से होता है CSF का, कोरोइड फ्लेक्सिस से CSF का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ पायामेटर एपेंडाइमल सेल्स और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। मैक्सिमम जो फॉर्मेशन होता है CSF का 70% वो होता है यहाँ से सब कोरोइड फ्लेक्सिस से, ठीक है। फिर कोरोइड फ्लेक्सिस से CSF का फॉर्मेशन होके लेटरल वेंट्रिकल्स में जाता है, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनेरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल के रूफ जो फ्लोर है उस पर भी कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, वहां से CSF का फिर फॉर्मेशन होता है और फिर वो वहां से एक्वीडक्ट ऑफ सल्विलस के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। एक्वीडक्ट ऑफ सल्विलस या फिर सेरिब्रल एक्वीडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर से एक बार बता रही हूँ मैं, कोरोइड फ्लेक्सिस से CSF का फॉर्मेशन होता है 70%, ठीक है, 70% वहां से फॉर्मेशन होकर वो लेटरल वेंट्रिकल्स में आता है, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनेरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, थर्ड वेंट्रिकल से वहां पे भी जो कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट है वहां से CSF का फिर फॉर्मेशन होता है और वहां से वो एक्वीडक्ट ऑफ सल्विलस के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल से तीन ओपनिंग्स निकलती है, फोरामेन ऑफ लुस्का, फोरामेन ऑफ मेगेंडी और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, टू लेटरल और वन पोस्टीरियर, और इनसे जो है सब एरिक्रोइड स्पेस में जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो चला जाता है।